हेलो सिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? हैं? क्यों नहीं डेकी सुकी, वैसे भी मैं इस धोपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ। सिजुका, ओए सिजुका, क्या कर रही है? अरे नोबिता, मैं और डेकी सुकी अपना होमवर्क करने जा रहे थे। वैसे तो तेरी औकात के बाहर है, लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको सिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं सिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से आ रहे थे ये रॉड लेके। इससे मैं उस जियान की समझता क्या साला? हां नोबिता, मारो जियान को। नीले गोटे, ज्यादा हिले मत वरना फेंक दूंगा। नोबिता, मैंने तुम्हें बोला ना, ये मीचान ने कोई दूसरा बिल्ला है। चुप रे यार डोरेमोन, सारी बिल्लियां एक ही होती है। और सिजुका, आओ चलो मेरे घर चलते हैं, हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे। अरे वाह नोबिता, उसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैंने सालो तुम लोगों ने नहीं बोला था ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है? अब भी बनाई है क्या यार सिजुका, दिन भर कुकीज खाते रहते हैं, इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी। और मीचान, जरा डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठते से ही मुंह देता है। नोबिता, माफ चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा शो के बारे में बता दिया। तुम लोग तो जानते ही हो मुझे, पर क्या तुम प्रोबो के बारे में जानते हो? वाओ, पैसा बच्चे कितनी बार बोलू। और मैं डोरेमोन नोबिता, तो अब हमारी संगति राजू को लगने वाली थी, तो पढ़ाई तो अब घंटा होनी नहीं थी। मुझे याद है हम लोग 9:30 बजे पढ़ने बैठे थे, 9:52 पे राजू खुद कॉपी बंद करता है और बोलता है हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि भाई बंटी और मेरे में से कुछ ना पढ़ने वाली रेडिएशंस निकलती है। हमारी भंड शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमारे साथ कोई पढ़ ही नहीं सकता। हम दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी, क्योंकि हम तो थे ही भंड, हमको तो ना पढ़ने का बस बहाना ही चाहिए था। अब ना हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई थी, तो राजू बोला चलो टीवी पे भूत के सीरियल्स देखते हैं। हमने भी कह दिया ठीक है, लेकिन राजू के यहाँ ना डिश टीवी लगी हुई थी, D2H। जितना बुरा ये नाम है ना, उससे भी ज्यादा बुरे इसमें चैनल्स चलते थे, और रात में 9:10 के बाद तो सारे चैनल्स में बस एक ही चीज आ रही होती थी, नापतोल। जिन लोगों को नहीं पता नापतोल क्या है, ये कैसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए। आज हम आपके अरे तो हर्षित, तेरे को भी तो नापतोल से ही खरीदा था ना? यस, ओ माय गॉड। अब बस ये बाबा जी का चूरन। अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए। और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त। अरे लेकिन मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए, मात्र 6,500 रुपए में। अरे लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा नहीं है? लेकिन यार ड्रायर का तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रहा है, मैं मुफ्त की चीजें नहीं जाने दूंगा। नापतोल वाले कभी नहीं चूकते ऐसी चीजें लाने में जो किसी को नहीं चाहिए। तो मिडिल क्लास मंगलवार आने वाला है, जिसमें हम स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली को चीजें बेचेंगे, तो कुछ बताओ आइडिया। सर सर सर, अपन बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे। शामी एक बात बता। सलेंद्र सर, सलेंद्र। सलीम, तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है ना? हाँ जी सर। कितना कमाता है तेरा बाप? 20,000 रुपया सर। कुछ ये तुम चाहते हो कि चोर 25,000 की बंदूक लेके तुम्हारे बाप के 20,000 रुपए छीनने आए? भाग यहाँ से, हट। मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचेंगे। ओए, बस 10,000 सब्सक्राइबर्स रह गए। व्हाट? ओह वाओ, ये एकदम से जंप मारा भाई कुछ तो। ओनली लाइक व्हाट, 9,800 ये कभी बाप ने बुलेट रह गए बस। टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बुलेट प्रूफ चड्डी बेचे। ये होते हैं आइडियाज, क्या बात करी है। और सर हम उस चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा देते हैं, तेरा तो प्रमोशन पक्का। आपके लिए बुलेट प्रूफ चड्डी, जिसको पहनने के बाद आप पर तो लड़कियां मरेगी, लेकिन आप किसी के बाप से नहीं मरेंगे। इस चड्डी के अंदर आपको मिल जाता है एक ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि रिकॉर्ड करता है आपके सारे खुशियों के पल। आइए जरा इन भाई साहब के खुशियों के पल सुनते हैं। और मेरा खाना किधर है? आप जरा कम पिया कीजिए ना, घर में राशन के पैसे नहीं बच रहे हैं। अरे चल, मेरा पैसा है, जितना पीना होगा उतना पीऊंगा। और ये क्या बकवास खाना बनाया है, ज्यादा रोना आ रहा है ना? पापा, आप मम्मी को ऐसे नहीं मार सकते। अरे चल, गुंडे हाथ का सपेटा मारूंगा ना। I hate you. ज्यादा समझ में आ रही है, रुक अभी। खुशियों के पल थे, भगवान ऐसी खुशी सभी को दे। और अभी खरीदने पर आपको इसके साथ ये जूस मेकर भी मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। अब हम टीवी पर तो कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा चलो भूत की बातें करते हैं। तो उस टाइम ना एक हॉरर शो आता था, विकराल और गबराल। यस, उस टाइम ना पूरा टीवी एक तरफ और स्टार उत्सव एक तरफ। स्टार उत्सव ना बाकी चैनल से 356 एपिसोड पीछे चलता था। वो बाकी बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कम्प्लीट है, और एक तरफ मैं जिसने अभी बस किताब ही खोली है, एक तरफ क्लास
का टॉपर बच्चा स्टार प्लस, जिस पर दिया और बाती में संध्या बिंगड़ी ने आईपीएस पुलिस ऑफिसर बन के एवेंजर्स के साथ मिलके अपने पति सूरज को मार दिया है और फिर उसका पुनर्जन्म होने के बाद उससे ही शादी कर लिया है। और एक तरफ मैं स्टार उत्सव, जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस आईपीएस पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है। मैंने देख लिया तुम्हें, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि चीटिंग करना अलाउड नहीं है। उस टाइम तुम स्टार उत्सव में कुछ भी चला सकते थे। विनय, न्यू हॉलीवुड मूवी आई है मैन इनवाइट, देख रहे हैं क्या? कैसे देखे, सारे चैनल तो बिजी है। अरे क्या बोल रही है, स्टार उत्सव को क्या हुआ? अरे उस पे कोई बुड्ढा सांस ले रहा है। तीन घंटे से यार तू देखना रे, इसको अस्थमा का अटैक तो नहीं आ रहा है? नहीं रे, 400 रुपए लेके चलवा रहा है ये। मैं क्या बोल रहा है, इसको हटाते अपन तो पिक्चर लगाते हैं, वैसे भी कौन देखता है स्टार उत्सव। अब आते हैं विक्रांत बराल पर। जितना बुरा है उससे भी बुरा ये शो था। शो में ये टर्मिनेटर जैसा दिखने वाला आदमी विक्रांत और ये हाथी का बच्चा घबराल, ये दोनों भूत पकड़ने जाते हैं तीर कमांड लेके। मेरा फेवरेट शो था विक्राल घबराल, घोस्ट कैचर्स, तीर कमांड। और तुम लोग मुझे गाली देते हो कि मैं नशे करके स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जरा सोच रही शो के राइटर्स ने कैसे अपने शो को बेचा होगा। देखिए, शो मामूली तरीके से स्टार्ट होगा, कोई लड़की मर जाएगी, भूत बन जाएगी, लोगों को परेशान करेगी, बुड्ढों की बाथरूम में घुस जाएगी। जी जी जी, एक सेकंड, बुड्ढों की बाथरूम। फिर विक्राल घबराल आएंगे बैटमैन की बाइक पे। सही, अब क्लाइमेक्स है ना, ध्यान से सुनना। पता है वो लोग भूत को कैसे मारेंगे? तीर कमान से। क्या बात कर रहे हो? रुको रुको रुको, अभी और है, मामूली तीर कमान नहीं, मुड़ा हुआ तीर कमान। इसकी माँ की आँख। अभी अभी और है, जब भूत मर जाएगा ना तो वो उसको एक शीशी में बंद कर लेंगे। रुको रुको, बस इतना ही है। बनाओ भाई इसको, अभी तक क्यों रुके थे? स्टार उत्सव पे डालते हैं। मैं ना विकाल घबराल की सारी चीजें इग्नोर कर सकता हूँ कि कैसे ये लोग भूतों को तीर कमान से मार देते हैं, फिर उनको शीशियों पे बंद कर लेते हैं, लेकिन मेरे से एक चीज इग्नोर नहीं हो पाएगी, ये टर्मिनेटर रात में काला चश्मा पहन के भूतों को पकड़ने जा रहा है और भूतों को वैसे ही देखना आसान नहीं है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये ना डायरेक्टर की मासी का लड़का है, इसका जेई पेपर क्लियर नहीं हो रहा था तो इसको यहाँ एक्टिंग के लिए भेज दिया। मुझे क्या लगता है कि विकाल घबराल को ना ये फियर फाइल्स, आहट और फिर कोई है वालों मस्ती में बना दिया। हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग विक्राल घबराल देखेंगे। तो राजू निकालता है अपना फोन। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था, कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था, एक बटन दबाओ तो 5-5 दबती थी, और कंपनी वालों ने भी ना पूरा कीबोर्ड लगा के भेजा है फोन में, और इस फोन में इंटरनेट चलाना जेई नीट के एग्जाम से भी कठिन है। तुम्हें पहले कोई पृथ्वी जैसे आइकन दबाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर www.google.com पर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा www.utab.com, और तभी तुम देख पाओगे सौरभ जोशी विक्राल घबराल। मोबाइल बैलेंस पर इंटरनेट मत वरना तुम्हारा फोन खानदान रोड पे आ जाएगा, क्योंकि इन बटन वाले फोन्स में ना सोने के भाव पे इंटरनेट चलता है, 1 MB 1000 रुपया। मैं भी किनको बता रहा हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप के बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा। हेलो हेलो, ए बच्चे अपनी मोबाइल क्वालिटी ट्यून को चल छैया छैया करने के लिए एक दबाए। छैया छैया, आपके मोबाइल बैलेंस से 1,00,000 रुपए कट गए, हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। हम लोग गरीब हो गए। अब हम लोग विकास देख रहे होते हैं। मैं एक भूत हूँ, शो इतना बेकार है कि मुझे ये तक बताना पड़ रहा है। अरे विकराल घबराए, अरे भाई जब नहीं दिखता है तो क्यों रात में काला चश्मा पहन के आते हो? क्या यार, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे ये तीर कमान कितने सीजन से यूज कर रहे हैं यार। अरे यार विक्राल, ये मर गया क्या? लग तो रहा है घबरू यार। यार हो गया, तुमने तो मुझे हरा दिया। चलो घबरू, उसको बॉटल में भर लेते हैं। विक्राल और घबराल, ये सब बकलोली देखने के चक्कर में ना हम एक चीज देखना भूल गए थे और वो था टाइम। ये सब करते करते सुबह के 5:25 बज गए थे, 7:30 बजे हमारा मैथ्स एग्जाम था। भाई हमारी हालत ना उन सिपाहियों जैसी हो गई थी जो एग्जाम की जंग लड़ने से पहले ही हार चुके थे। अब हम लोग सीधा भागते हैं सोने के लिए। बंटी साला हमारे से पहले ही सो चुका था, जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था साला जमीन पे। अब हम डर के मारे सो तो जाते हैं लेकिन अलार्म लगाना भूल जाते हैं।
सुबह के 9 बजे राजू के घर वाले आके हमको उठाते हैं, मुझे और बंटी को घर भगाते हैं, राजू को एक चमाट मारते हैं और अब हम लोग 7:30 का पेपर 9 बजे देने जाते हैं। बस फिर क्या, मेरे और बंटी के 100 में से 7 और 16 आते हैं, राजू के 32 आते हैं और फिर उसके बाद से राजू हमारे साथ कभी ग्रुप स्टडीज नहीं किया। हेलो, तुम लोग की भी एग्जाम्स वगैरह चल रहे होंगे तो देख लो भाई, ग्रुप स्टडीज तो मत ही कर। ग्रुप स्टडीज इज इक्वल टू नो स्टडी। Beauty in the beast, but she can't do motion. Every time I step around, it seems like I'm in slow motion.